सुबह सुबह तारक मेहता साहब देख के ब्रेकफास्ट किया जा रहा है। क्या खा रहे हो आप? ओरियो बिस्किट और चाय मम्मा के हाथ से। पापा से नहीं खाओगे? क्यों किसके हो आप? छोटा बीबी है ना पापा का, ये गुस्से से देख रही है। पोलंदे, पोलंदे, पोलंदे। ये भटूरे नहीं नहीं पूरी पूरी आलू चलो आलू पूरी। तो संडे के दिन हम आलू पूरी ही खाते हैं ब्रेकफास्ट में ज्यादातर। नहीं चने पूरी भी खाते हैं। ये पर आलू पूरी ज्यादा बढ़िया लगती है। नहीं पाव भाजी चने पूरी सब बनता है। चलो तो स्पेशल होता है। तो सर्दी के टाइम पे बाहर धूप में बैठ के आलू पूरी खाने का मजा ही कुछ अलग है। वो इतने इनके बाद अच्छी धूप निकली तो मैं कहा थोड़ी धूप ही सेक जाए क्योंकि विटामिन बी भी तो चाहिए ना, तो धूप में बैठे खा रहे हैं, मजे ले रहे हैं। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज फिर नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। बस आज मैं और बीवी मेरी सबसे बढ़िया टाइम पास धूप में है ना, मजा आ रहा है ना? मेरे को नहीं मजा आ रहा, मैं बस 5 मिनट के लिए बैठी हूं। अरे विटामिन डी मिलता है तो धूप से यार, कितने दिन के बाद इतनी बढ़िया धूप निकली है। सूरज देव साहब पूरे प्रसन्न है हमारे ऊपर, बहुत मजा आ रहा है। और किमरन यहाँ बैठी खेल रही है, स्लाइड कर रही है अपनी ना, स्लाइड कर रहे हो अंदर खेल रहे हो आप? यहाँ के नहीं खेल रहे? स्लाइड करने को मना कर रही है। चलो तो अभी हमारा बैठे बैठे वही कल सारे फ्रेंड्स गए थे घूमने फिरने, हमारा एक प्रोग्राम बन रहा है। देखो कहाँ जाते हैं, जैसलमेर जाते हैं, उदयपुर जाते हैं या शिमला। मैं तो बोल रहा हूँ शिमला चलो, वहाँ बर्फ भी है, मजा आएगा। पापा, तो एक और प्लान मतलब इसी वीक के अंदर या 10 दिन में बन जाएगा, तो बहुत मजा आएगा, आपको भी दिखाएंगे हम। रोटी खा रहे हो? चलो कि बा चल राउंड दे, देखो उसको छोड़ वो बन जाएगा, तुम राउंड नहीं चल। हाँ दीवार का काम सारा खत्म हो गया, बस अब ये बाहर से सब कुछ हट जाएगा ना, फिर हम गाड़ी आराम से लगा पाएंगे। तो अभी क्या चाह रहा हूँ कि मैं उनको राउंड देने, अभी मैं गिरने वाला था, अभी गिरने वाला था मैं ना, आप हंसत आप हंसते जोड़ते कीचड़ में मेरा पैर स्लिप हो गया, मैं गिरने वाला था। तो ये खड़ी है हमारी गाड़ी, तो किमा को हम राउंड देने जा रहे हैं। किया वो उधर खड़ी है ना, किमा देख वहाँ जगह नहीं थी, वो दूर खड़ी की हुई है। हाँ अभी यहाँ जगह नहीं ना दिखा रहे, यहाँ पे सामान पड़ा हुआ, मिट्टी विट्टी पड़ी है, काम हुआ था, ये हट जाएगी फिर लगा देंगे। नहीं गंदी बात, मिट्टी को टच नहीं करते। चलो बैठो गाड़ी के अंदर, बैठो बैठो जल्दी बैठो, वेरी गुड, चलो जल्दी बैठो। आपको पता है हम 2-3 डेज में फिर एक जगह घूमने जा रहे हैं। किधर? हम जाएंगे या तो शिमला जाएंगे या जैसलमेर जाएंगे, आप चलोगे? जैसलमेर में डेजर्ट होता है। देखो अभी प्लानिंग कर रहे हैं कहाँ पर जाते हैं, पता लगेगा। क्यों? अरे आपको मिट्टी पसंद है, डेजर्ट में मिट्टी मिट्टी होती है बहुत सारी, पता है आपको? सैंड, हाँ बहुत सारी सैंड होती है वहाँ पे। पापा मैं नहीं आ सकता, मेरी क्लास भी है। हाँ तो आपकी क्लास हो जाएगी, आपने ऑनलाइन ही क्लास करनी है। नहीं आ सकता, मैंने बना कर अभी देखेंगे जहाँ पे हमारा जैसलमेर का बनेगा या कहीं का बनेगा हम बताएंगे जरूर आपको। तो अभी एंजॉय करना, देखना। आपको पैसे मिलेंगे? पैसे मिलेंगे कैसे मिलेंगे? बाबा जी देंगे। नहीं बच्चा कह रहा है पैसे मिलेंगे आपको, ऑफिस जाने पैसे मिलते हैं। बाय, लव यू, आई लव यू। कितना ज्यादा प्यार करता तू मेरे को है ना। कहाँ पे चलना है? नहीं ऑफिस बच्चे अभी अभी नहीं, अभी आप पढ़ाई करो, बाद में लेके जाऊंगा आपको, ठीक है? मंडे छुट्टी होती है, मंडे आपकी छुट्टी आती है ना, फिर मेरे को थोड़ा बहुत काम करने जाना होता ना, मैं क्या करूँ? पापा गंदे हो बहुत। क्यों अभी आप मेरे को बोल रहे हो लव यू, ना बाप बोल रहे हो गंदे हो, ऐसे हो ना बोलते हैं? पापा आप घूमने जाते और मेरे को आपको प्यार करता नहीं, घर पे नहीं रहता पूरा टाइम, अभी आपको घुमाता भी हूँ, सुबह राउंड भी देता हूँ, शाम को भी राउंड देता हूँ, फिर आप मेरे साथ सोते भी हो तो मैं घर पे रहता तो हूँ मैं। अरे बाबा हम सुबह सुबह चले आते हो, फिर सुबह सुबह चले आता हूँ। तू कहाँ गया पौष? चलो चलो बाय, ओके बाय पौष, बाय। मैं क्या देख रहा है मैच, जब तक सारे मैच तो फिक्स होते हैं, फायदा क्या? टाइम पास हो रहा है। क्या टाइम पास हो रहा है? इंटरेस्ट है मैच देखने में। कितने पैसे लगाए हैं तूने? पैसे नहीं लगाते, तू तो लगाता ही है। अबे क्या टाइम बर्बाद कर रहा है। तो संडे का दिन था, ऑफिस में ज्यादा काम तो था नहीं, मैं कहा चलो अरे काम थोड़ा जल्दी चलते हैं, तो अभी हम गुरुद्वारे जा रहे हैं मथा टेकने के लिए, एक आध घंटा तो वहीं रहूंगा ही रहूंगा, उसके बाद फिर वापसी आके फिर घर जाएंगे। क्या है भाइयों का हमारे, तुम मिलते नहीं है, तुम घूमते रहते हो क्यों जी? ये भी हमारे नए नए यूट्यूबर,
है ना। बस और क्या हाल है बाकी? तो आप मिल लिया करो ना मेरे भी पे, आप भी तो भाई हो। मतलब मेरे को मिलना होता तो ये जदिया भाई बैठे हैं, वो पम्मा भाई बैठा, इनको मिल लिया करो, मेरे को मिल लिया, एक ही बात है भाई हमारे ये भी। मतलब गुरुद्वारे पे आते ही भाइयों ने चाय करने जहाँ पहले किया हुआ है, फैन भी है साथ में, फैन भी है, देख लो ये होता है प्यार, कह रहे जो भाई उनको टाइम पता है और चाय आते ही दो मिनट में है ना। नकाबगंज साहब गुरुद्वारे मत्था टेकने आया हुआ था, पाजी सब्सक्राइबर है हमारे, तो उन्होंने पहचान लिया, मतलब काफी कमेंट देते हैं, मैं इनकी कमेंट का रिप्लाई भी किया एक दो बार शायद, बंटी जट के नाम से, तो बहुत खुशी हुई भाई सामने मिलके, मतलब ऐसे ही सब प्यार देते रहे तो अच्छा लगता है, आगे भी मोटिवेट होते हैं वीडियो बनाने के लिए, बहुत अच्छा लगता है। वो प्यारी सी बच्ची है नूर है ना, हमारे मेरे व्लॉग देखती है, इन्होंने पहचाना, पर अब बातचीत करी तो जान पहचान भी निकल आई, जो इनके मामा है वो मेरे क्लास फ्रेंड थे, तो बचपन की दोस्ती थी हमारी, तो जानी है ना, तो सारे आए हैं। हाँ जी, क्या हाल चाल? और बढ़िया, सही चल रहा है सब। ये भाई साहब कीर्तन बड़ा अच्छा करते हैं, गुरदयाल सिंह जी है, 33 ब्लॉक रेंजर नगर गुरुद्वारे में होते हैं, आप तो दिल्ली कमेटी भी आई गए, कीर्तन मतलब एक नंबर कीर्तन करते हैं इनकी, कभी आपको जो मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगा जरूर सुनाऊंगा जरूर, कभी कभी इनके सामने बहुत अच्छा कीर्तन करते हैं। तो अवतार सिंह जी मिले हैं तो बड़े अच्छा लगे मिलके भाई, दोनों मेरे ब्लॉग डेली देखते हैं, मतलब अच्छा लगता है सुन के कि लोग मिलते हैं आते हैं जाते हैं, अच्छा लगता है काफी, छोटे छोटे बच्चे भी देखते हैं, यंग फॉलोअर सबसे छोटा फॉलोअर है जो, अच्छा लगता है भाई का, मान दिखाएं सबको, तो ये देखो दो जुड़वा मैंने है ना, है कोई फर्क? बहुत फर्क है ना, नहीं है कोई फर्क, तो कमेंट करके बताना जरूर कि फर्क है या नहीं है मुझे एक बात है ना। कहाँ घूम रहे हो? बस तेरे से मिलने आए थे हमने सर। अच्छा आपको लग गया मैं यही हूँ, सही है, सही। सत श्री अकाल जी, पंजाब रुपये का क्या हाल है जी? ठीक ठाक वधिया, फर्स्ट क्लास। हाँ जी गुजारे आते ही छोले कुलचे का प्रसाद मजा आ रहा है, हाँ भाई स्वाद है, और आ गए खाओ खाओ, बहुत बढ़िया स्वाद है, मजा आ गया है भाजी, थैंक यू जी। तो गुरिंदर सिंह जी हैं और भाई साहब उनकी, मतलब डेली व्लॉग देखते हैं और काफी अच्छे, आंटी भी देखते हैं ना सारे, मतलब फैमिली सारी देखती है और सारे इतने अच्छा कॉम्प्लीमेंट देते हैं ना, मतलब यही प्यार चाहिए और किसी और कुछ नहीं चाहिए, बस कितने कम टाइम पे आप लोगों ने इतना प्यार दिया सबने, तो और कुछ नहीं चाहिए, थैंक यू, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अच्छा करते हैं। चलो जी आज तो बहुत दिन आपके पास रुक गया, कल मिलेंगे ठीक है, कल मिलते हैं, चलो ओके। बच्चों को राउंड लेने जा रहा हूँ, बच्चे कह रहे हैं कि कुछ खाना है, क्या खाना है? मेरा तो चैलेंज वीडियो है ना, आपने खाना है? मैंने घर पे रोटी बनाई हुई है, मम्मी आई, मैं तो बाहर का वैसे ही थोड़ा लाइक कम करती हूँ ना, तो क्या खाना है? चैलेंज वीडियो है, मैं तो कुछ खाऊंगा नहीं, बट 21 रुपीज पड़े हैं अभी, उसके में जो 221 काम कर, तो चिकन सीख खा ले, ठीक है चलेगा, ठीक है ना, अकेले ही खाना तो खा सकती हो, क्या दिक्कत है, वो खा ले, देखो फिर इसको चिकन थी और रोली खिला देता हूँ, 221 चैलेंज लिया, 500 में ब्रेकफास्ट भी करना है, लंच भी करना है और डिनर भी करना है, डेजर्ट भी करना है, डेजर्ट भी करना है, डेजर्ट कहाँ से लाऊंगा वो, तो जैसलमेर जाना पड़ेगा देखो डेजर्ट के लिए, नहीं डेजर्ट के लिए या तो देखो जाना पड़ेगा दुबई या वहाँ, DESERT वाला, अच्छा खाने वाला डेजर्ट जो होता है ठंडा,
ठंडा नहीं गर्म भी आता है, पेस्ट्रीज भी आती है, नहीं डेरेक्ट तो मीठा होता है ना। चलो अभी देखते हैं 221 रुपए में इसको क्या खिलाऊंगा। तो सीक्वा रोल तो तेरा 120 रुपए का आ जाएगा। हाँ तो बाकी के पैसे अकेले खाना खा ले और क्या है। चलो देखते हैं क्या मिलता है। तो गाइस अभी हम यहाँ से खा रहे हैं, ये जगह दादी ने सजेस्ट करी है। हाँ मैंने यहाँ पे बहुत बार ट्राई किया, इट्स वेरी टेस्टी और तेरे बजट में होगी, यू जस्ट ट्राई। पापा को पूछते पापा कितने का ऑर्डर करके आए। ओनली 140 रुपीज। 140 रुपीज बच गई, मेरे को इंस्टाग्राम डिलीवर मेरे चाचा का बेटा जो मेरे को डिस्काउंट देगा। चलो दादी कैसा लगा चैलेंज, अच्छे से हो गया? इट वॉज वेरी गुड बेटा। अब आपको खाते हुए दिखाते हैं फिर डेजर्ट खाने चलते हैं। डेजर्ट अभी बाकी है तो उसमें हो जाएगा। मैंने कितने डेजर्ट खाए हैं, मैं चॉकलेट केक खाऊंगी। 949 दुकानें 11 बजे बंद होती है। तेरे पास और कितने पैसे बच रहे हैं? 140 थे ना, 110 बचे थे पास। नहीं वन तेरे पास टोटल कितने थे? 221 माइनस 140 चैलेंज हो गया अच्छे से। अब मैं 30 रुपीज का चौको लावा केक खा सकती हूँ, फिर भी मेरे पैसे बचेंगे। कि मैं आप क्या खाओगे? केक वो चॉकलेट, आप क्या खाओगे? सेम सेम आ जाएगा दोनों का। नहीं तो इसके पैसे तो मैं डाल सकती हूँ, इसके पैसे मैं डाल दूँ तो फिर भी मेरे पैसे बच गए, हो गया मेरा चैलेंज से। That's good. पापा देखो कितने सही तरीके में कर लिया मैंने। लाइफ में एडजस्टमेंट सीखनी है, आपके पास जो है आपने उसमें ही कवर करना है। ये आप मतलब 500 रुपए में सब मील करें, यहाँ से कुछ सीखो। मतलब आपके पास इतना पैसा, ये नहीं कि दूसरों को देख के तुमने ज्यादा, नहीं अपनी चादर देखो जो है उसमें निपटा। तो ये वीडियो का मोरल ही वही था, एक लेसन सीखो यहाँ से बेटा। मतलब ये लेसन है तेरे लिए कि तेरे पास क्या है तूने उसमें गुजारा करना है। ओके गुड लक बेटा। ओके वो पनिशमेंट तो बन गया फिर तेरा, वो चैलेंज हो गया पूरा। यस तो इसका चैलेंज पूरा करा दिया। डेजर्ट खाने के लिए जाने के लिए बोल रही थी, मैं कहा जाऊंगा मैं कहीं नहीं, घर पे ऑर्डर कर दिया, स्विगी से आ रहा है। ठीक है ना, कितने की करी है पेस्ट्री ऑर्डर? पेस्ट्री बहुत सस्ती मिल गई तेरी, 40 रुपए की। बस 40 रुपए में ठीक है, और क्या तेरे पैसे बच रहे। तेरा चैलेंज तो पूरा करना था ना, फिर महंगी मंगाता फायदा क्या था? तो अब उसके बाद भी कोई चैलेंज करना है या ऐसे ही है? अब बोर्ड का चैलेंज है, मेरे को कम से कम 90% चाहिए ऐसे चैलेंज ले। ये 500 के चैलेंज तो होते रहेंगे, अब जो है वो मेरे को 90% से ऊपर, मेरे को 90% से ऊपर चाहिए। मैंने ये करना ही करना है, ऐसे सोच के। दादी भी यही बोल रही है, ये करना ही और करना है। मैंने मम्मा भी यही बोल रही है, जो आपको लाइफ में सक्सेस दे। पूरा दिन ही बोलती रहती है। हाँ बट दादी ऑल्सो ठीक है ना, अब घर जा रहे हैं बस। भी हो आया, गुरुद्वारे भी हो आया, और अनीशा का जो चैलेंज था वो भी पूरा करवा दिया आज। अब घर पहुंचाऊं, और हाँ आज जो गुरुद्वारे में आप सब्सक्राइबर्स ने मुझे मिलके जो मेरे को प्यार दिया है, इसी की मैं उम्मीद करता था, क्योंकि इतने कम टाइम पे आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है, मेरे को इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी मेरे को इतना प्यार मिलेगा। तो ऐसे ही अपने भाई के ऊपर प्यार बना के रखना। तो मिलते हैं फिर अगले दिन कल एक नई वीडियो के साथ में। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलना। प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना, उससे क्या है मुझे थोड़ी हौसला मिलता है आगे नई वीडियो बनाने का। ठीक है ना, तो कल मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। अभी के लिए टेक केयर, गुड नाइट, बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कमेंट फॉलो, गुड नाइट, बाय।